नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश और दुनिया में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली की शिक्षा मॉडल का प्रचार करके वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली के इस शिक्षा मॉडल की पोल खुल चुकी है, या कह सकते हैं कि केजरीवाल के इस शिक्षा मॉडल की पोल खुल चुकी है। जिस तरह से अब ये बड़ा खुलासा हुआ है कि राजधानी दिल्ली में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम जो कॉलेज हैं उनके टीचर्स को वेतन भी वक्त पर नहीं मिल पा रहा है, और ये जो शिकायत है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन की ओर से ही की गई है। उन्होंने बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल सरकार पर लगाया है और कहा है कि पिछले 2 साल से शिक्षकों के वेतन में लगातार कटौती हो रही है, और मांग की गई है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लगभग 12 कॉलेज हैं जिन्हें केंद्र सरकार अपने अधीन ले ले। ये बड़ी बात जो दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं AK बागी उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि फंड की कमी के चलते दिल्ली सरकार के 12 कॉलेजों में पिछले 2 साल से चल रहे शिक्षकों के वेतन में कटौती की जा रही है। हमने मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन इसका कुछ खास लाभ नहीं मिला। डिप्टी CM के पास भी गए, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। अब हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इन तमाम कॉलेजों को अपने अधीन ले ले। ये बड़ी बात AK बागी की ओर से कही गई है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार के तहत 12 और कॉलेजों में कुशासन है, उन कॉलेजों में शासी निकाय का राजनीतिकरण किया जा रहा है। बताया ये गया है कि जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो दरअसल इनके सदस्य बने हुए हैं, और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को सदस्य नियुक्त किया गया है। ये बड़ा खुलासा भी AK बागी की ओर से कहा गया है। तो AK बागी ने मीडिया से बातचीत करते हुए तमाम बड़े दावे किए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित 12 कॉलेजों को लगभग 85 से 90 करोड़ रुपए की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने खुलासा किया है कि ये जो समस्या है ये 5 साल से चल रही है। पहले फंड में देरी हो रही थी, लेकिन पिछले 2 साल से फंड में कटौती की जा रही है। वर्तमान में दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित 12 कॉलेजों में करीब 85 से 90 करोड़ रुपए का घाटा है। साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के प्रमुख ने यह भी दावा किया है कि दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे कई कॉलेजों में कुशासन व्याप्त है। इतना ही नहीं, वहां किस तरह से छात्रों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज हैं, जो उनके परिसर हैं, वहाँ बुनियादी सुविधाएं ही मुफ्त में उपलब्ध छात्रों को नहीं हो पा रही है। ये भी बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है, और बताया गया है कि मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से शिक्षकों को ही नहीं बल्कि छात्रों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कभी कभी पानी की समस्या होती है, तो कभी कभी बिजली नहीं होती क्योंकि बिलों का भुगतान भी समय पर नहीं होता है। यानी कितनी बड़ी खामियां हैं, कितने बड़े लेवल पर ये खामियां दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज हैं उसमें देखने को मिली हैं। ये बड़ा खुलासा उनकी तरफ से किया गया है, और उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी के सदस्यों को शिक्षाविदों के बजाय शासी निकाय का प्रमुख नियुक्त किया था। साथ ही साथ AK बागी ने इस बात का भी खुलासा किया है कि उन्होंने इस पूरे मामले के जो जानकारी है वो दिल्ली के उपराज्यपाल को भी दी थी। उन्हें बकायदा VK सक्सेना को एक ज्ञापन भी सौंपा है। 16 जुलाई को हम LG से मिले और उन्हें एक ज्ञापन दिया, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। उन्होंने तुरंत इसे दिल्ली सरकार को भेज दिया, लेकिन इसके जवाब में दिल्ली सरकार की ओर से गुमराह करने वाली जानकारी दी गई। यानी केजरीवाल सरकार ने यह कहा कि हमने शिक्षकों को समय पर वेतन दे दिया है, हमने इसे दोबारा LG के पास हम गए और वहां हमने दोबारा शिकायत की। ये भी AK बागी की ओर से बताया गया है, और इस पर उन्होंने जो आश्वासन दिया
केजरीवाल सरकार ने कहा कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। कई बार हम मुख्यमंत्री के घर गए, यहाँ ट्रैक से हमारा ज्ञापन लिया जाता है और कोई अधिकारी भी आगे नहीं आता है। इस मुद्दे को लेकर हम लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या सुनने को कोई तैयार नहीं है। ये बड़ी बातें जो दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं AK बागी, उनकी तरफ से कही गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के तहत चलने वाले इन कॉलेजों को अपने कब्जे में ले ले, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन स्कूलों इन कॉलेजों की स्थिति बहुत खराब है और साथ ही कॉलेजों में बिजली का बकाया भी भुगतान नहीं किया गया है, उसका भी नोटिस लगातार मिल रहा है। जो दिल्ली में लगातार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं मनीष सिसोदिया, इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो अपने ऊपर लगे आरोपों से मुक्त होने के लिए दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल का बार बार हवाला दे रहे हैं, लेकिन इस बीच ये सवाल अब उठता है कि आखिर शिक्षकों को ही वेतन नहीं है और किस तरह से उनके वेतन में कटौती की जा रही है। जो महीने में उन्हें देरी से वेतन मिल रहा है उसमें भी किसी के 30,000 तो किसी के 50,000 रुपये काटे जा रहे हैं। ये हालात फिलहाल राजधानी दिल्ली में बन गए हैं, जिसको लेकर तमाम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े जो टीचर हैं, जो एसोसिएशन से जुड़े तमाम सदस्य हैं, उनके बयान सामने आ रहे हैं। और वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के जो कार्यकारी सदस्य कृष्ण मोहन वत्स हैं, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम लोकतांत्रिक कानून के तहत कदम उठा रहे हैं, हमने विरोध प्रदर्शन किया और हम आने वाले महीनों में दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार के खिलाफ और प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने जानकारी दी है कि हम उपराज्यपाल से भी लगातार मिल रहे हैं और हमने उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताया है, यहाँ तक कि हमने LG को भी बताया है कि हमने पिछले पांच महीने से वेतन हमें नहीं मिला है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। टीचिंग फैकल्टी किसी तरह मैनेज कर रही है, लेकिन दूसरे स्टाफ को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राजीव रे, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस साल दिल्ली सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में लगभग 37 करोड़ का घाटा है। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के साथ 11 और कॉलेज समस्याओं का सामना कर रहे हैं और दीनदयाल में अन्य महाविद्यालयों की अपेक्षा अधिक कमी है, इसका कारण उन्हें अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मांग और भुगतान में 100 करोड़ रुपए का अंतर है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो तमाम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन से जुड़े सदस्य हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं, उनके बयान सामने आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि किस तरह से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल हैं वो इस तरह से वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। और खबर ये है कि दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में फंड की इतनी कमी है कि अब कॉलेज स्टाफ की सैलरी देने के लिए प्रशासन के पास पर्याप्त फंड नहीं है। बकायदा कॉलेज प्रशासन की ओर से एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है और कहा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसरों के वेतन से 30,000 और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसरों के वेतन से लगभग 50,000 रुपये रोके गए हैं, यानी उनकी सैलरी से इतना हिस्सा कट कर दिया गया है, वो उन्हें महीने पर नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरीके से लगातार केजरीवाल सरकार की पोल खुल रही है। आपको ये बता दें कि जो दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनकी ओर से नोटिस जो जारी किया गया है उसकी माने तो इसमें कहा गया है कि जैसे ही फंड उपलब्ध होगा वेतन जारी कर दिया जाएगा। इस कॉलेज को दिल्ली सरकार की ओर से 100% फंडिंग होती है और इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। केजरीवाल सरकार जो राजधानी दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन छापती है, जो कि तमाम टीवी चैनल से लेकर तमाम दिल्ली की सड़कों पर होर्डिंग्स आपको नजर आ जाएंगे कि किस तरीके से हर एक मुद्दे को लेकर विज्ञापन छापा जाता है। विज्ञापन में कई करोड़ रुपए हर साल ये सरकार खर्च करती है, लेकिन वहाँ शिक्षकों के लिए वेतन नहीं है, वहाँ
छात्रों को पढ़ाने वाले टीचर्स के खाते में ही उनकी सैलरी नहीं पहुंच पा रही है, तो इससे बड़ा वित्तीय संकट और राजधानी दिल्ली में क्या हो सकता है कि केजरीवाल सरकार अपने शिक्षकों को ही सैलरी नहीं दे पा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।